मेरे पीछे का सेटअप देख के आप समझ रहे होंगे कि किस ऑर्गेनाइजेशन के जो है लोगों से आज हमारी बातचीत होने वाली है। तो जिनसे आज हमारी बातचीत होने वाली है, शी ऑल्सो हैपन्स टू बी माई कज़न सिस्टर ऑल्सो। अगर फिज़िकल वर्ल्ड की बात करें तो शी इज़ ऑल्सो एन असिस्टेंट BDO अंडर वन ऑफ द ब्लॉक्स हियर इन असम। एंड स्पिरिचुअली वो ब्रह्मा कुमारीज में बहुत पहले जुड़ी है, 10-10.5 साल हो गए उनको। तो चलिए आइए जानते हैं आज उनके एक्सपीरियंसेस और हमारे एज के लोगों के लिए उनका क्या एक्चुअली एडवाइसेस है, उसको हम अच्छे से जानेंगे। तो बने रहिए पॉडकास्ट में, चलिए शुरू करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। तो आप सेटअप देख के समझ गए होंगे कि आज किस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं और ये क्या कौन से ऑर्गेनाइजेशन से है एंड एवरीथिंग। तो प्याली जी, आई वेलकम यू टू आवर चैनल। आपने इंट्रोडक्शन में सुन लिया होगा, हम फिजिकल बॉडी में व्हाट वी आर, हाउ वी आर कनेक्टेड एंड आज किस बारे में हम ज़्यादा एम्फेसिस दे के बात करने वाले हैं। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यही है कि एज अ प्रोफेशन आपका बहुत अलग है, बहुत अलग था, एंड वहाँ से ये सडन शिफ्ट ब्रह्म कुमारीज में, ये आपका कैसे हुआ, कैसे आपका स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुआ? पहले तो उस परमात्मा को याद करते हुए आज का जो आप मुझे जो भी पूछेंगे वो मैं आपके समक्ष रखने की कोशिश करूँगी। देखिए, सभी का निजी एक जीवन होते हैं, उस जीवन में हम क्या चाहते हैं, शरीर अच्छा रहे, मतलब तन अच्छा रहे और मन भी खुश रहे और धन भी पर्याप्त रहे, अर्थात ऐसा ना हो कि कुछ मन में इच्छा हो रही है और खरीद नहीं पा रहे, उतना नहीं। तो तन मन धन से ही सभी हम चाहते हैं ना सुखी बने। तो मेरे इस जो स्पिरिचुअल जर्नी है, इससे पहले की जो मेरी जीवन थी उस पे, उसमें मुझे सारे ही पर्याप्त थे, जितनी ज़रूरत होती है एक इस सृष्टि में चलने के लिए, जीवन में चलने के लिए। फिर भी जैसे कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं था, मन की जो तृप्तता होती है जीवन को लेके, वो तृप्तता मुझे नहीं मिल रही थी। ऐसे तो जैसे आपको पता है हम गवर्नमेंट जॉब में हैं और फैमिली भी मुझे, मेरी बहुत अच्छी ईश्वर की कृपा से मुझे मिली हुई है, बच्चा भी बहुत ही समझदार है, हस्बैंड जो है उनका भी निजी एक गवर्नमेंट जॉब है, तो पैसे की कमी तो हमारे कभी थी ही नहीं। घर बार भी पहले से ही बना हुआ था ईश्वर की कृपा से, उसके लिए भी शुक्रिया अदा करते हैं मेरी जो फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ है। तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन जो अतृप्तता थी किस बात की थी वो मुझे नहीं पता था। तो जाते थे घूमने के लिए, हर साल ही घूमने के लिए जाते थे 2 बार, तो उसमें मुझे एक चाहत होती थी कि थोड़ा वृंदावन होके आए, हरिद्वार होके आए। तो इसके लिए और कुछ आपको पुराने मेरी जो जीवन है उसको भी आपके समक्ष रखने की कोशिश करती हूँ। मेरी जो नानी माँ थी, मेरा जो सब कुछ, जो मेरे स्पिरिचुअलिटी के ऊपर जो इतना मुझे थोड़ा जो आग्रह है, उस आग्रह का उनको ही श्रेय जाता है, क्योंकि उनके पास ही मैं पली बड़ी हूँ, तो उनके साथ जाया करती थी तो अच्छा लगता था मुझे। लेकिन ऐसे नहीं कि मैं पार्टियों में नहीं जाती थी, ऐसा नहीं है। सारे जो सोसाइटी में जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं हम लोगों का, सभी में मैं एंजॉय करती थी, जाती थी, फिर भी वही जो अतृप्तता थी। तो ऐसे ही जीवन चल रहा था, ऑफिस जाना आना, बच्चे की पढ़ाई, घर में रसोई में सब कुछ ठीक ही था, चल ही रहा था, लेकिन मन उतना नहीं भरपूर था और शरीर में भी थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आया, उतना ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ ना कुछ गैस की प्रॉब्लम, ये सब कुछ था। तो एक दिन मेरे हस्बैंड भी कुछ उसी प्रकार के ही है,
तो वो क्या करते थे, वो ड्यूटी से आके हमेशा टीवी देखते थे, तो उस टीवी में तब उस समय वो स्पिरिचुअल जो प्रोग्राम्स आते हैं छोटे छोटे आधे घंटे के लिए, पहले तब थी आस्था चैनल थी, विजन टीवी शिक्षा थी, तो उसमें ही एक दिन ब्रह्मा कुमारीज की एक दीदी जी है उषा दीदी जी, उनकी एक प्रोग्राम कुछ आ रहा था, तो हम दोनों देख रहे थे बिस्तर में लेटे लेटे, तो फिर देखते देखते ऐसा कुछ बातें वो करने लगे, मुझे इतना ऐसा अच्छा लगने लगा, मैं लेटी हुई थी, मैं उठ के बैठ गई, तो फिर आधे घंटे में प्रोग्राम ख़त्म हो गया, तो मैं उनको बोली देखा अच्छा प्रोग्राम होता है तो जल्दी ख़त्म कर लेते हैं, तो उन्होंने बोला ठीक है कल उसी टाइम में देखेंगे, तो फिर कल उसी टाइम में देखा, फिर देखते रहे, फिर मेरी जो जितने भी मेरे सगी संबंधी है सबको फ़ोन करके बताया कि बहुत अच्छा प्रोग्राम आता है ऐसे देखिए, तो सभी देखने भी लगे, तो तब जो कुछ बातें उधर से मुझे सुनने को आया, जो मुझे थोड़ा कुछ अलग महसूस हुआ, जैसे मैं जीवन में जो कुछ मेरी कमी है उसमें शायद कुछ मिलने वाला है, ऐसा कुछ तब महसूस आया, फिर तो ढूंढते ढूंढते इधर सनसर में सेंटर है ब्रह्मा कुमारीज की, तब गए जाके उधर जो 7 days का राजयोग कोर्स होते हैं वो सब किया हम लोगों ने, लेकिन ये कोर्स ज़्यादातर 45 minutes से या 1 घंटा के ही होता है, लेकिन हम लोगों ने 2-2.5 घंटा तक किया, लेकिन बहुत सारे प्रश्न था मन में जो सब निकल कर आया, तो उसी से ये स्पिरिचुअल जर्नी तब से शुरू हुआ। ओके तो जैसे बहुतों को नहीं पता होगा ब्रह्मा कुमारी एज एन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आप थोड़ा सा ब्रीफ में अगर बता सकते हैं। जी, ब्रह्मा कुमारी इसका जो पूरा नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ज़्यादातर लोग उसको ब्रह्मा कुमारी कहते हैं, एक्चुअली ब्रह्मा कुमारी नहीं ब्रह्मा कुमारी, नाम पूरा था ब्रह्मा कुमार एंड कुमारी, फिर ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो छोटा करके प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कहा जाता है, इसको आप राजयोगा मेडिटेशन सेंटर भी ऐसे भी कई कई बोलते हैं, तो इसको हम यूनिवर्सिटी भी कहते हैं और साथ ही साथ हॉस्पिटल भी कह सकते हैं, क्योंकि बीमार लोग आके यहाँ पे स्वस्थ होते हैं, और यूनिवर्सिटी इन द सेंस ये इसको ऐसे कहा जा सकता है कि जो पूरी यूनिवर्स की ज्ञान यहाँ पे प्राप्त होती है, तो ये यूनिवर्सिटी हो गया। और सबसे हैरानी की बात है जैसे कि इस यूनिवर्सिटी का एक ही टीचर है और इसका जो स्थापक है पालक है वो एक ही है, और सबसे और हैरानी की बात है सिर्फ और सिर्फ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ही आपको पूरे विश्व में कई जगहों पे मिलेंगे, 140 जो देश है 140 देशों में तो है ही, फिर इसके अलावा भी छोटे बड़े बहुत शहरों में आपके राजयोगा सेंटर्स मिलेंगे। और हैरानी की बात है कि जैसे क्रिश्चियन कंट्रीज़ में है, यूरोप में सारे कंट्रीज़ में लगभग, फिर जो मुस्लिम कंट्रीज़ होती है जैसे यूएई उसमें आता है, जकार्ता सीरिया और भी बहुत कुछ जो कंट्रीज़ आती है, तो वहाँ पे उस राजयोगा सेंटर में वहाँ के जो रिलीजन जो बिलोंग करते हैं वही लोग ब्रह्मा कुमारीज में आती है, तो ब्रह्मा कुमारीज एक्चुअली अलग कोई धर्म नहीं है, अलग कोई यहाँ पे कोई गुरु मंत्र या ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ पे एक ही बात सिखाई जाती है, मन को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, जीवन कैसे सुंदर हो सकता है, और भगवान एक है और पूरा ये विश्व भी एक है हमारे लिए, इसीलिए आदि सनातन देवी देवता धर्म में ये कहा जाता है कि वसुंधरा कुटुंबकम, जो बहुत मुनि ऋषियों ने ये कहा है कि वसुंधरा कुटुंबकम, किस अर्थ कहा है वसुंधरा, तो हमको सभी को पता है विश्व कुटुंब यानी किस अर्थ कि भगवान एक है और हम सब उनके बच्चे हैं, इस नाते इसीलिए यहाँ पे देखा जाता है कि ऐसा कोई मुस्लिम देश बाकी नहीं है, ऐसा कोई क्रिश्चियन देश बाकी नहीं है जहाँ पे ब्रह्मा कुमारी संस्था के सेवा केंद्र नहीं है, उस सेवा केंद्र को आप
कुछ भी कह सकते हैं, यूनिवर्सिटी के हैं, हॉस्पिटल के हैं, मस्क्यू के हैं, चर्च के हैं, मंदिर मस्जिद गिरजा, आपको जो अच्छा लगे वही कह सकते हैं, क्योंकि सभी धर्म के लोग यहाँ पे आते हैं और एक ईश्वर को मानते हैं, वही ईश्वर जो ऑलमाइटी अथॉरिटी गॉड ईश्वर अल्लाह जहोवा जिसे कहते हैं उसे मानते हैं। तो प्रजापतिया ब्रह्मा कुमारी इसकी सारे विश्व में छोटे बड़े बहुत शहरों में की सेवा केंद्र चलती है जो निशुल्क होती है। यहाँ पे जो भी आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है वो पूरी तरीके से निशुल्क होती है। ठीक है, मेरे को इससे रिलेटेड एक चीज़ पूछना है। जी जी, आपका जो अपीयरेंस है, ये वाइट पहनना, ये बैज लगाना, मतलब इसका कुछ सिग्निफिकेंस है आपके? नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं, मुझे अच्छा लगता है इसीलिए मैं पहनती हूँ। ज़्यादातर मैं बाहर जब ऑफिस या कुछ प्रोग्राम में जाती हूँ तो दूसरे कपड़े भी पहनती हूँ, ऐसा कुछ खास नहीं है। हाँ, जो यहाँ पे समर्पित बहनें होती है, समर्पित सिस्टर्स होती है और बहुत सारे भाई भी होते हैं, तो वो लोग सेंटर्स में रहते हैं, सेवा केंद्र में रहते हैं, तो उन लोगों को वही पहनना है तो वही पहनते हैं। और हम लोग जैसे परिवार में रहते हैं तो आते जाते हैं तो उस नाते से अच्छा लगता है पहनने में। कोई कोई पहनते हैं, सभी नहीं पहनते हैं। और रही ये बेज की बात, उसमें कुछ जैसे कुछ धारणाएँ होती है, अगर आप उस धारणा को फॉलो करते हैं तभी ये बेज संस्था से दी जाती है। ओके, तो आपका जैसे लाइफ, हमारा जो नॉर्मल लाइफ रहता है वो काफ़ी अलग रहता है हमारे स्पिरिचुअल जर्नी से, उससे तो आप अभी भी है अपने जॉब में जी। तो ये ब्रह्मा कुमारी इसका टीचिंग जो है आपके ये बार लाइफ को उसने कैसे इफेक्ट किया है? नॉल मतलब हमें पता है, हमने दूर से देखा है या पास से देखा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा डिटेल में बताएं कि जब आप आए ब्रह्मा कुमारीज में तो उससे आपका जो मैरिड लाइफ था या फिर जो जो मदर का रोल आप प्ले कर रही थी, डॉटर का रोल, वो उसमें क्या चेंजेस आए? चेंजेस तो फिजिकली तो दिखाई नहीं देता है कुछ भी, लेकिन जो सूक्ष्म तरीके से मेंटली इतने पीसफुल है, वह मैं आपको बोल रही हूँ मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं। मतलब ये जो सुख होता है, ये जो अंदर की जो सुख होती है ना, जो फील करेगा उसी वो पता होता है। जैसे मैं आपको अगर बोलूँ कि वहाँ पे हमारे जो शहर की जो पॉश इलाका में एक बहुत अच्छा सा मिठाई का दुकान खुला है, मैं अभी खा के आई हूँ, तो आपको खाना हो गया क्या? नहीं होगा ना, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा। मैं कहाँ तक, मेरा बात कहाँ तक सच है, उसके वेरिफिकेशन के लिए आपको उधर जाना पड़ेगा, जाके फिर खरीद के खाना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ दीदी ने जो बोला शायद ठीक है। तो ये भी ऐसा ही कुछ है, चेंजेस तो कुछ नहीं है, लेकिन बहुत सुखदाई जीवन है। ऐसे सुखदाई है कि मैं आपको मारा, आपका घंटों चला जाएगा मैं आपको बोलती रहूँगी, मेरे को थकावट नहीं होगी, इतनी अंदर से इतनी खुशियाँ हो रही है जो मैं आपको जो, और ये माना मतलब कई दिनों तक ये बोल सकती हूँ मैं आपको कि क्या मुझे मिला है इसमें। जैसे कि देखिए, बहुत परिस्थिति आती है हमारे जीवन में, है ना, छोटे बड़े, वो शायद शरीर से हो सकता है, मन से हो सकता है, मन दुखी रहता है ज़्यादातर लोगों की छोटी छोटी बातों में, फिर फाइनेंशियली भी बहुत कुछ ऊंच नीच सभी के लाइफ में होती है, तो इन सब से ही, इन सबको कैसे हम निपट सकते हैं, कैसे इन सारे समस्याएं आएंगी लेकिन उसका इफेक्ट आपके ऊपर नहीं आएगी। तो सोचिए, तो आप, आपको फाइनेंशियली क्राइसिस हो रही है लेकिन आपको चिंता ही नहीं हो रही है, आपका पेट टूटा है या हाथ में खरोच आया है या आपका कोई ऑपरेशन है होने वाला है, लेकिन आपको इस बात की कोई टेंशन ही नहीं है, आप बिंदास लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, है ना। हम सभी तो यही चाहते हैं ना, तन से स्वस्थ, मन से स्वस्थ, धन से भरपूर जीवन, मतलब फुल ऑफ लाइफ, और क्या है, यही तो है ना। तो ये एकमात्र मुझे इसी ही यहाँ पे ही मिला है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में ज़्यादा समय यहाँ पे नहीं हुआ, 10.5 साल हुआ है
ब्रह्माकुमारीज में जुड़े हुए। इससे पहले मैंने काफ़ी सारे अभी भी है संस्था, सारे संस्था के साथ मेरा निजी संबंध है। हालांकि मैं उतना भी जा नहीं पाती हूँ क्योंकि बहुत सारे सर्विसेज यहाँ पे भी मेरी रहती है, तो इसीलिए जा नहीं पाती हूँ। लेकिन हाँ, संबंध तो है, संबंध तो टूटता नहीं है ना, संबंध है। लेकिन जो सुकून, जो मेरी तृप्तता यहाँ पे मिली, दूसरे में मुझे शायद मैं ढूंढ नहीं पाई, इसलिए शायद मुझे प्राप्त नहीं हुआ। तो यहाँ पे मुझे ये सब प्राप्त हुआ है, जीवन जीने की कला सिखाया यहाँ पे, तो उसको मैं उस तरीके से जीवन को हैंडल कर रही हूँ। फुल ऑफ लाइफ हूँ मैं, मुझे किसी बात की फिक्र नहीं, किसी भी बात का फिक्र नहीं। उसका एक आपको ये बता सकती हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है लाइफ की, 2.5 साल पहले 2022 में 14 जनवरी को मेरे ये दोनों पैर टूटा था, मतलब फ्रैक्चर हो गया बहुत बुरी तरीके से। लेफ्ट वन तो बहुत बुरी की तरीके से एंड राइट वन थोड़ा कम। तो जब पेट टूटा, यही ये गॉडली सर्विस में थी मैं, तब उसी समय ये हुआ। तो मैं नीचे आई, ऊपर से आके बैठी और मेरे घर में जो मेरे को मदद करते हैं उनको बुलाया और बोला कि आप आइस क्यूब लेके आओ, तो वो भी देने लगे। दोनों पेट टूटा है ना, तो एक पैर में वो देने लगे, दूसरे पैर में मैं देने लगी। फिर बोला कि मना हस्बैंड को बुलाने के लिए, वो आराम कर रहे थे, शाम की टाइम था। तो फिर वो भी आए, तो मैंने उनको बोला कि मेरा पेट टूटा है, ऐसे नहीं बोला क्योंकि अचानक उनको भी एक धक्का लग सकता है। तो धीरे धीरे उनको बोला कि मैं गिर गई, ऐसा बोला। और दोनों पैर एक साथ में बोलने से तो सभी को ही एक कुछ ये हो सकता है। तो फिर मैं जब आइस क्यूब देने लगी तो ठंड भी लग रहा था क्योंकि जनवरी महीना था। और ये करते करते मुझे ऐसा शरीर कांप रहा था और इतनी पेन मुझे महसूस हुआ कि वो जैसे माताओं को डिलीवरी के समय बहुत ज़्यादा पेन होती है, वो पेन भी उसके आगे कुछ नहीं, ऐसा पेन महसूस हुआ। फिर मैं मेडिटेशन किया उस समय में, एस्ट्रल वर्ल्ड होता है सूक्ष्म वतन जिसे कहते हैं, वहाँ पे मैंने अपने को उसी तरीके से महसूस किया कि मैं भी एस्ट्रल बॉडी में हूँ, सूक्ष्म वतन में, मैं भी सूक्ष्म शरीर में हूँ। हालांकि ये साइंस ने भी माना है और ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि हम सभी का एक अलग से एस्ट्रल बॉडी होता है। तो सूक्ष्म वतन में, सूक्ष्म शरीर में मैं गई और वहाँ पे जाके मैंने मेडिटेशन किया। मेडिटेशन मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत लोग ऐसा समझते हैं मेडिटेशन मतलब जैसे ध्यान में बैठ जाना, एक्चुअली वो नहीं है। बस आप कनेक्ट करो खुद को, वो आप बातों से करो, मन बुद्धि से करो, किसी भी तरह मन मतलब आपका मन में जो भी कुछ बातें आ रही है वो शांत हो जाए तुरंत, तभी समझ लेना है कि मैं कनेक्ट हो पाई हूँ। यही मेडिटेशन है, अपना मन को ही तो शांत करना है। तो मेरे को बहुत पेन हुआ उस समय, मैं कनेक्ट किया और जो छोटा मोटा वहाँ पे मेडिटेशन किया, फिर सिर्फ आधा सेकेंड या एक सेकेंड ही होगा, मैं थोड़ा जैसे मुझे सेंस नहीं था ऐसा कुछ उस समय, बाद में मुझे महसूस हुआ कि मैं कहाँ चली गई थी, क्या ऐसा कुछ। फिर अचानक से जैसे वो बुला रहे हस्बैंड के, चलो चलो आपको बिस्तर में ले जाती हूँ, आपको मम्मी को बुला देती हूँ। नहीं नहीं, मम्मी को मत बुलाओ, भाई को और आपके बहन लोगों को बुला दो। तो मेरे परिवार के सभी आए, तो फिर मैं बिस्तर में लेटी हुई हूँ वो लोग आने तक, और मेरे पैर को मैंने बहुत ऊँचा कर दिया। फिर मैंने उनको बोला कि तभी तो उनको बोलना पड़ेगा, तो मैंने उनको बोला मुझे ना डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो बोला क्यों? बोला नहीं, मेरे को ये फ्रैक्चर हुआ है, टूटा है। तो वो थोड़ा गंभीर हो गए, टूटा है मतलब कैसे ऐसा? तो दोनों पैर टूटा है। तो सेकंड के लिए वो भी चुप हो गए। फिर बोले तो वो बहुत ऐसे ऐसे करके देख रहे थे मेरे दोनों पैर को दूर से, मैं बिस्तर में लेटी थी।
तो फिर वो बोले नहीं 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 टूटा। तो मैंने सोचा वो मेरे से बड़े हैं और साइंस के स्टूडेंट है, तो शायद पैर के अलाइनमेंट जैसे मैंने रखा है उससे उनको शायद पता चला कि नहीं टूटा। तो फिर मैंने बोला उनको, आपको कैसे पता चला कि पैर नहीं टूटा? तो उन्होंने बोला, नहीं अगर आपका पैर टूटा होता तो आप दर्द से चिल्ला रहे थे। तभी मुझे जो एक एहसास हुआ मेरे को, अभी भी उस समय का मुझे बहुत सुकून मिलता है उसको मैं अगर याद करती हूँ तो। तो मैं लेटे लेटे थी तो मैं थोड़ा सिर को ऐठ बोल के मैं उस ईश्वर को, जिस ईश्वर को मैं बाबा बोलती हूँ, उस ईश्वर के लिए इतना प्यार, इतना कुछ क्या जो निकल रहा था मन से और आंखों में पानी आ गया। बोला उनको, बोला मैंने, बाबा 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 मेरा दर्द ले गया था। मतलब सूक्ष्म बदन में मैंने बस भगवान को ये बोला था कि ये पैर मेरे किस काम का नहीं, अगर आपको यूज़ करना है तो आप जानो। और मैंने उनको ये बोला कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत पेन जो हो रहा है मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ, बस इतना ही बोला। मांगा नहीं उनसे कि मेरे को ये ठीक कर दो या मेरा पेन ख़त्म कर दो, ये मांगा नहीं, क्योंकि भगवान बोलते, ईश्वर अल्लाह बोलते हैं मांगने से मरना वाला। जैसे हमारे बच्चे होते हैं या हमारे माँ बाप होते हैं, तो माँ बाप अपने बच्चों के लिए ही जीते हैं। माँ बाप की सारी ज़िंदगी जो कमाई करते हैं वो कमाई अपने बच्चों के लिए ही करते हैं, ना चाहते हुए भी उनको दे ही जाएंगे। तो भगवान ईश्वर अल्लाह भी वही कहते हैं, गॉड भी यही कहते हैं कि मैं तुम्हारा माता पिता हूँ, तो मेरे जितने भी शक्तियाँ हैं, गुण हैं, सारे ये ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है तुम्हारा, तुम्हें प्राप्त होना, बस उसको लेने की तरीका जो है वो पता होना चाहिए हमें। तो ये मेरी स्पिरिचुअल इस जाने में ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, जो डॉक्टर ने कहा कि ये बिना ऑपरेशन के ये पैर आप ज्वाइन नहीं होगा कभी भी। बड़े बड़े डॉक्टर को जैसे नंदी पुरखाई सर सर, फिर विकास अग्रवाल सर, दोनों को जाके मेरे हस्बैंड ने एक्सरे दिखाया, तो मैंने विकास अग्रवाल से ही तब प्लास्टर करवाया था पहले, जिस दिन गिरी थी मैं। तो फिर बाद में हस्बैंड जाके उन दोनों को पूछा, तो फिर बोला था कि 5 दिन के बाद जाके आप, 5 दिन के बाद आके आप ना ऑपरेशन कराना। तो फिर 5 दिन में जा नहीं पी क्योंकि मैं कनेक्ट नहीं कर पाई थी कुछ समय तक, उस समय एक प्रोग्राम था, तो उस सिलसिले में मुझे बहुत फ़ोन कॉल्स लेना पड़ा, और मेरे जो परिवार के हैं स्पिरिचुअल परिवार से भी है और ऐसे जो मेरे लौकिक परिवार से सभी आ रहे थे, तो उसी समय बहुत बातचीत में समय गया, तो मैं खुद को कनेक्ट नहीं कर पा रही थी कि क्या क्या मुझे आगे क्या करना है उसके लिए। सिर्फ मैंने उस पिता को, भगवान पिता को ही बोला था कि मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और फिर ऐसा कुछ उनको बोला था। जो भी हो, फिर बाद में मेरा ऑपरेशन नहीं लगा, और इसका इलाबोरेशन नहीं करूँगी, ऑपरेशन नहीं लगा। मेडिटेशन में जो दिनचर्या मेरी होती है वही दिनचर्या मैंने फॉलो किया, उसके लिए मैंने अलग कोई मेडिटेशन नहीं किया। पैर के लिए जो अलग से मेडिटेशन कुछ होता है, हम लोग ऐसे भी सीखते हैं, पता है हम लोगों को, लेकिन मैंने नहीं किया, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ा, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक जिस तरीके से मैं अपनी दिनचर्या होती है उसी में शायद वो हील हो गया और अपने आप पैर ज्वाइन हो गया। ओके, तो ये एक एक्चुअली बहुत आपका, मतलब ये मैं पूछने वाली थी मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन में, कि कोई एक इंसिडेंट आप शेयर करें जिसमें जी इम्पैक्ट आपको फील हुआ। एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत लोग मतलब पूछते हैं, जानना चाहते हैं, कर्मा और कार्मिक अकाउंट के बारे में। तो मेरे को याद है जब मेरे साथ एक एक इंसिडेंट हुआ था, मैं आपके घर आई थी और आपने मेरे को यही बोला था कि उस इंसान के साथ आपका कार्मिक अकाउंट ख़त्म हो चुका है, तो उसको भी भूल जाओ, हो गया जो होना है।
तो उससे पहले तक उस हिसाब से मैंने सोचा नहीं था, लेकिन उस दिन के बाद हाँ, वो आपकी वो बात बहुत इम्पेक्ट एक्चुअली मेरे में उसने किया था कि हाँ ऐसा होता है। उसके बाद जैसे धीरे धीरे बहुत लोग आए गए, ऐसे होता है हम सभी के लाइफ में। तो ये कार्मिक अकाउंट मतलब ये कैसे कनेक्टेड रहता है हमारे उससे, मतलब ये सच में होता है, क्या होता है, थोड़ा सा आप इसमें बताएंगे। ये तो हालांकि ये तो बहुत बड़ी चैप्टर है, कुछ समय में तो इसका उतना इलेबोरेशन नहीं हो सकता, फिर भी हम कोशिश करेंगे जितना आपको दे पाए। देखिए, कर्म ही हमारी सब कुछ होती है, और अभी जो जीवन हम लोग व्यतीत कर रहे हैं, सभी जो फैमिली हम लोग बिलोंग करते हैं, अब जिस तरीके से हमारी जो क्वालिफिकेशंस होती है या फीचर्स होती है, जो भी होती है, अपने कर्म के हिसाब से हमें वो सब प्राप्त होती है। तो इसके लिए कर्म के ऊपर बहुत ध्यान हमें देना चाहिए। पहले ये पता नहीं था, पहले हम लोग प्रथागत रूप से चलते थे। जब तक मैं यहाँ से जुड़ी नहीं थी, तब तक जो ज्ञान हम लोगों को ट्रेडिशनली मिलती है, मतलब हम लोग छोटे से ही उस तरीके से ही पले बड़े होते हैं। सिर्फ आप और हम दोनों की बात नहीं, ये सारे विश्व में ऐसे ही ट्रेडिशनली चलते हैं। जैसे उदाहरण के तरीके से अगर आप लेंगे तो देखिएगा, जैसे बच्चा अगर स्कूल में जाता है, दोस्तों ने किसी ने टिफ़िन ले लिया उसका, या उसके साथ कुछ छेड़खानी किया, गाली दिया या कुछ मारा किया या शर्ट फाड़ दिया, तो वो अगर बच्चा स्कूल घर में आता है तो ज़्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं, आपके हिसाब से बोलिए क्या करते हैं? कंप्लेन करते हैं जाके स्कूल में कि हाँ, ऐसा क्यों हुआ होगा। हाँ, ये एक है। दूसरा, बच्चे को क्या बोलते हैं? तूने कुछ किया होगा इसलिए। हाँ, और ये भी बोलते हैं तू मार खा के आया, क्यों हाँ, उसको नहीं दे के आया, टिफिन तेरा, माना मतलब हम लोग उस तरीके से अपना जो हमारी जो फैमिली बैकग्राउंड होती है या क्वालिफिकेशंस होती है, वो सब का हमें बहुत अहंकार होती है। और हम हमारे से जो क्वालिफिकेशन में कम, फाइनेंशियली इंसॉल्वेंट होते हैं, उनके साथ वो सब हम करते हैं, उसी के आधार से हमारे जीवन में जो छोटी छोटी अशांतियाँ होती है, एक्चुअली उसी के लिए ही होती है। जैसे हम सब्जी बाजार में जाते हैं या कोई रिक्शा वाला या कुछ, तो क्या करते हैं, हम अपना रौब दिखाते हैं ना, अरे तुम रिक्शा वाला मेरे से ऐसा बात कर रहे हो, तुम सब्जी वाला तुम ऐसे बात कर रहे हो, ऐसे नहीं बोल सकते, ऐसा इस तरीके से उनके साथ ट्रीट करते हैं ना, उनको बहुत नीचा देखते हैं। तो क्या होता है, क्या किया उस पर्सन को, उस आदमी को हम लोगों ने क्या किया, उसको मन ही मन दुख पहुँचाया ना, तो उसके मन से भी हमारे लिए क्या आया, दुख आया। तो देखिएगा, बाहर घर में आए, अचानक से फ्रिज बंद हो गया, फ्रिज खराब हो गया, इन्वर्टर की समस्या आ गई, एसी की समस्या आ गई, ये वो प्रॉब्लम हो गया, ये प्रॉब्लम हो गया, ना चाहते हुए भी सारे कितने सारे प्रॉब्लम्स में हम लोग फंस जाते हैं। ये छोटी छोटी जो बातें हम लोग एकदम प्रथागत रूप से ट्रेडिशनली ये सीखते हैं, मतलब आस पड़ोस में क्या हो रहा, वो ऐसा ऐसा है, अच्छा ऐसा ऐसा है, उससे हम लोगों को क्या हुआ, कर्म का खाता हम लोगों का भारी हो रहा है, मतलब का पाप का खाता जमा हो रहा है। तो जैसा कर्म हम करेंगे, जैसे न्यूटन्स थर्ड लॉ सभी को पता है, सभी ने पढ़ा है, वो अलग से साइंस कॉमर्स वाले उसका बात नहीं आता है, वो तो बेसिक नॉलेज है सबके लिए। तो साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है, जो हम करेंगे वही हमारे लिए आएगा। तो उस बात को अभी से, मतलब जिस समय से मैंने ये स्पिरिचुअल जर्नी शुरू किया, जब से ये समझने लगा मैं, तब से बहुत उसमें ही कोशिश करती हूँ, 100% उसमें देने की कोशिश करती हूँ। हाँ, भूल चुके तो होती है, अभी भी होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है, हो जाती है, लेकिन उसको भी कैसे कम हो जाए, कैसे और भी बहुत पीसफुल लाइफ लीड करूँ, उसके लिए टेक्टिक्स होती है कुछ कुछ मेडिटेशन की, वो सब हम ट्राई करते हैं। जैसे रोज़ रात को माफ़ी लेना है, ऐसा कुछ है, फिर शुक्रिया अदा करना है, जैसे आप बाहर निकले ऑटो के लिए, ऑटो मिल गया तो आप थैंक यू बोलो उस परमात्मा पिता को, अल्लाह को, गॉड को, जहवा को, जिसे आप मानते हो, उन्हें ही।
तो अब शुक्रिया अदा करो। फिर रात को उनके सामने अब बिस्तर में बैठे बैठे हो, लेटे लेटे हो, मेडिटेशन की कुछ अलग से कुछ भी अलग कोई नियम नहीं होता है। ये सफ़ेद कपड़ा भी कुछ नियम नहीं है, उसका एक छोटा सा आपके सामने उसका भी एक ये एग्जांपल उठाऊंगी। देखिए, जो बच्चा आता है स्कूल से बहुत एकदम पसीने से लथपथ होके आती है, पूरा एकदम कपड़ा भीगा हुआ है, लेकिन आगे आके अगर उसके मम्मी पापा को जोर से पकड़ेगा तब मम्मी पापा तो थोड़ी ही बोलेंगे, नहीं नहीं तुम स्नान करके आओ, सफ़ेद कपड़ा पहन के आओ, ये करके आओ, वो करके आओ। जो निजी जो हम लोगों की जो संबंध होती है, प्यार की जो संबंध होती है, उसमें हम लोग कोई कंडीशन नहीं देखते ना। इसी तरह वो ईश्वर अल्लाह भगवान जो हमारे हैं उनके साथ हमारी कोई कंडीशन नहीं है, वो कोई कंडीशन नहीं देते कि आप ऐसा ऐसा करो तभी मैं आपको प्राप्त होगा, नहीं, वो सिर्फ साफ दिल चाहते हैं। उसका और भी कुछ बातें हैं जो आगे जाके आपके समक्ष रखूँगी। तो ऐसा है, तो कर्म हमारा इतना मतलब लाइफ का सबसे बड़ा पार्ट ही है, हमारे कर्म के ऊपर ध्यान रखना। श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो श्रेष्ठ जीवन प्राप्त होगा। आप बेकार में जलासी, उसके लिए जलासी, उसके लिए जलासी, ये सब आप फील करते रहेंगे, या आप मन से किसी को गाली देते रहेंगे तो आपके लिए वही आने वाला है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हम लोग अगर बहुत ध्यान दें तो जीवन बहुत सुंदर हो सकता है। एक मेरे को मतलब पर्सनल एक क्वेश्चन पूछना था। जैसे हम जिस परिवार में जन्मे हैं, जैसे हमारी दादी है, आपकी नानी, तो वो एक मतलब वैष्णवी है, तो ऐसे परिवार में जन्म लेना वो हमारे शायद अच्छे कर्म थे जी। उसके बाद जैसे जन्म लेने के बाद हम हर किसी का इंडिविजुअल लाइफ एकदम अच्छा गया ऐसा नहीं, उतार चढ़ाव आए, ये सब आए, तो ये सब हमारे बहुत जन्मों के बुरे कर्मों के फल होंगे जो हमको मिलते हैं पिछले कर्मों का, ऐसा है। लेकिन उतना भी कुछ है नहीं जिसके लिए आप बहुत दुखी हो जाओ। आपको दो वक्त का रोटी ठीक से मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात, आपका अगर एक हाथ नहीं होता तो, एक पैर नहीं होता तो, ऐसे भी लाखों हैं पूरे विश्व में, तो सोचिए उसके लिए, उसके लिए ये जो दो हाथ दो पैर हमारे सही सलामत है, उसके लिए हम लोगों ने कभी उस ईश्वर पिता को शुक्रिया अदा किया नहीं किया। तो ये भी मेडिटेशन है, शुक्रिया करना ये भी मेडिटेशन है। ये तो है। सपोज़ कोई अपना जैसे स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करना चाहता है, जैसे हमारे पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि हमको मेडिटेशन की क्लासेस चाहिए, तो पहले पहले जैसे मैं क्या करती थी, मैं उनको समझाने लगती थी कि मेडिटेशन की क्लासेस मतलब वी कांट प्रोवाइड, वो हर किसी का अपना इंडिविजुअल वो होता है। लेकिन फिर भी जैसे कोई अगर स्टार्ट करना चाहता है अपने घर पर ही मेडिटेशन करना, एकदम इजी वे में कैसे कर सकता है? और इसकी का सेकंड पार्ट ये है कि आप ये जो लाइट है इसके ऊपर आप मेडिटेट क्यों करते हैं? ये तो ऐसे एक घर में अलग से कुछ बना के इस लाइट को अलग करके रखना, मतलब ये साधारण नहीं है। जैसे हमारे सगी संबंधियों का जो बहुत क्लोज होते हैं उनकी फोटोज लगाते हैं घर में, तो ये तो सारे सृष्टि को चलाने वाले हैं, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, जो गॉड है, ईश्वर है, अल्लाह है। तो इनके लिए अगर कहेंगे तो इसके पहले जो आपका जो क्वेश्चन था, जो स्पिरिचुअल जर्नी कैसे कोई शुरू कर सकता है, उसके लिए पहले स्पिरिचुअल जर्नी शुरू करने के लिए कोई अलग से कुछ क्राइटेरिया तो है नहीं। वहाँ पे खुद को जानना पड़ता है, खुद के मन को कैसे शांत रखें। जितना मन शांत रहेगा उतना शरीर आराम मिलेगा, और शरीर आराम मिलेगा तो आपका धन बेकार में खर्च नहीं होगा, तो तन मन धन का सुख आपको प्राप्त होगा। तो उसके लिए पहले आपको खुद को जानना पड़ता है कि मैं कौन हूँ, क्या मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, कहाँ से हम आए हैं, कहाँ जाएंगे, ये सारी बातें हमको पहले जाननी पड़ती है। उसके लिए अगर आप चाहें तो हम लोग इसी तरह मेडिटेशन की क्लासेस करा सकते हैं, एक एक दिन एक एक छोटा छोटा ऐसा ले सकते हैं। तो जिन्होंने भी आपको बोला मेडिटेशन सीखने के लिए, तो वो 3 या 4 दिन में ये पूरी हो सकती है। और बाकी रही ये लाइट की बात, ये तो वही यूनिवर्सल लाइट है जो सृष्टि को चलाता है,
साइंटिस्ट, जितने भी साइंटिस्ट हैं सारे साइंटिस्ट के अगर आप बायोग्राफी स्टडी करेंगे जो नेट पे आपको मिल जाएगी, उन्होंने एक ही बात कहा कि हम लोगों ने ऐसा ऐसा सोच के ऐसा ऐसा एक्सपेरिमेंट करके इसको इस तरीके से रखा, लेकिन फिर बाहर गए या नींद कर लिया, फिर उठ के या बाहर से आके देखते इसको इस तरीके से नहीं, इस तरीके से ये हो गया। तो मतलब क्या है, चलाने वाला है भगवान ईश्वर अल्लाह, वो ही चलाता है पूरे सृष्टि को। उसको अलग अलग नाम से हम जानते हैं, भगवान ईश्वर अल्लाह कभी अलग हो ही नहीं सकते, भगवान तो एक ही है, गॉड इज़ वन, हाँ गॉड इज़ ट्रूथ, भगवान सत्य होते हैं, मैन इज़ ट्रूथ नहीं है, मनुष्य सत्य नहीं होता है, भगवान सत्य होते हैं। तो यही है परमात्मा, जो गीता में भी इनके गायन है, जो अष्टम अध्याय से एकादश अध्याय में है, अगर चाहे तो जो कोर्स के माध्यम से उसको इलाबोरेशन कर सकते हैं, और अगर आपके पास अभी समय है तो और बोल सकते हैं इनके बारे में। ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आऊँगी थोड़ा सा, कि ऐसे बहुत सारे सोल्स है जो मतलब जिनको जिनकी डेथ हो जाती है, लेकिन ना वो कभी भगवान की आराधना करते हैं, ना कभी मेडिटेशन किया, ना खुद को कभी जाना, उनका लाइफ भी बहुत अच्छा चलता है, और मरते भी ऐसे कि मतलब कोई तकलीफ के बिना मरे हैं, ऐसे काइंड ऑफ, तो ये इसके पीछे मतलब क्या है, ये क्यों होता है? वो तो आप ये इस नेत्र से देखा ना आपने, उनके मन की बात आपको पता है क्या, मन में उनकी कितनी घुटन तप थी, क्या चल रहा था, ये तो हमको नहीं है, तो हम तो दूर से देखते हैं उसको, अंदर की बात तो हम नहीं जानते। उसके लिए भी इसके लिए भी ये चैप्टर भी बहुत बड़ा चैप्टर है। इस चैप्टर को कहने के लिए, जैसे ये आपने जो प्रश्न पूछा ये आ गया, जैसे हम लोग अल्फाबेटिकली अगर जाते हैं उसमें जैसे ABCDEFGH एज आपने बता दिया, एज का प्रश्न आपने पूछा, अभी एज का आंसर देने के लिए मुझे ABCDE आपको बताना पड़ेगा, तो उसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं थोरली इसको, अगर आप चाहें तो थोरली आप सुन सकते हैं, उसके लिए अचानक से बोलने से आपको भी उतना। एक और लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी, जैसे आपके इस ऑर्गेनाइजेशन में आने के बाद आप किसी के हाथ का नहीं खाते, आप अपना खुद बना के खाते हैं, लाइक वी नो वी बिलीव इन एनर्जीज एंड ऑल, कि वही कंसेप्ट है कि एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, तो आपके शायद साधना में वो मतलब बाधा ला सकता है, या कुछ और इसके पीछे लॉजिक है? देखिए, साधना तो साधु संत करते हैं, और जो सेंटर में समर्पित भाई बहन है वो करते हैं, हम तो गृहस्थी वाले हैं, मन ही मन क्या करे वो अलग बात है, लेकिन उसे साधना नहीं कह सकते, साधना में कोई अंतर नहीं पड़ता है उसमें। लेकिन एक बात तो ज़रूर है, उसको भी अगर थोरली आप स्टडी करें तो, जब से इस भारतवर्ष में फर्स्ट फूड आया है तब से ही सारे बीमारियाँ आई है। पहले हम आटा, मैदा, सूजी, फिर जितने भी मसाले हैं सारे हमको खुले मिलते थे, उसमें कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती थी। अभी सारे पैकेजिंग होगी, उसमें सारे एक्सपायरी डेट हो गया, तो अगर पैकेजिंग हो गया तो पैकेट में ये बंद रहेगा ना, सामान पैकेट में बंद रहेगा। पहले क्या होता था, पहले के जो ग्रोसरीज के दुकान होते थे उसमें बड़े बड़े कंटेनर में सामान रखे होते थे, खुला था, या कोई नेट से ढका हुआ था होता था। अभी क्या होता है, सारे पैकेट्स में, तो पैकेट्स में भरेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा कुछ डालना पड़ेगा जो वो ठीक रहे, तो वो हमारे लिए कितने हार्मफुल है ना। तो बाहर अगर हम खाते हैं उसका असर हम खुद ही समझना है, कि उसका असर जो हमको क्या पड़ रहा है क्या नहीं, ये खुद ही हम लोगों को इसके ऊपर एनालिसिस करेंगे तो उसका आंसर हमको मिलता है। रही बात जो खुद खाना बना के खाना, अन्न का बहुत बड़ा असर होती है, जैसे पहले जो काम वाली होती थी, पहले जो भारतवर्ष में कुछ समय की पहले अगर बात लेते हैं, जैसे 100 साल पहले की अगर बात लेते हैं, तो उसमें जमींदार होते थे और राजा महाराजा होते थे, उनके घर में जो भी दास दासी या अभी जो भी नौकर चाकर मेज होते थे वो सारे उधर ही रहते थे, उनको अलग से कोई धन की ज़रूरत नहीं होती थी, क्योंकि राजा ही या जमींदार ही उनके भरण पोषण करते थे। उस हिसाब से वो लोग जब खाना पकाते थे
उनके मन में दूसरा कोई विचार आता ही नहीं था कि मुझे पैसे चाहिए, ये तो मैं पका रहा हूँ लेकिन मेरे बच्चे तो नहीं खाएंगे। जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, मेड रखते हैं ना, खाना बनाने वाले रखते हैं, होटल्स में जो खाने बनते हैं, रेस्टोरेंट्स में जो खाने बनते हैं, उसके पीछे की उनकी भावना क्या है, उद्देश्य क्या है, पैसा कमाना है ना। तो वही तार हमारे साथ जुड़ जाएगा ना, उसी उनका हाथों का वही बना हुआ खाना खाएंगे तो अंदर में वही भावना आएगा, कैसे सस्ते चीज़ों से आप लोगों को रसीलेदार खाना वो लोग पेश करेंगे जो खा के आपको अच्छा लगे, फिर वापस उनकी उधर आप जाए है ना। तो इसी तरीके से साइंटिफिकली उसको बात को, एक्चुअली स्पिरिचुअल है, सुपर साइंस, स्पिरिचुअलिटी को एक्चुअली सुपर साइंस कहते हैं उसको। उस तरीके से आप, मैं सफ़ेद कपड़ा पहन के आपको कुछ बोल रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि यही राइट है। खुद भगवान ईश्वर अल्लाह ही कहते हैं, उनके जो बातें हम लोग पढ़ते हैं सुनते हैं वहाँ पे वो कहते हैं कि मैं राइट और रॉन्ग को बताने वाला, डिसाइड तुम करोगे। तो यहाँ पे भी आपके समक्ष हम रख रहे हैं, चुनना आपको है कि कौन सा आपके लिए बेटर है। जैसे आज से 10-10.5 साल पहले मैं बैंगलोर हैदराबाद कहाँ पे नहीं छोड़ा, दिखा के आई फिर, लेकिन जब जब से मैं अपने हाथों से या मैं वेज खाने लगी तब से मेरा, मैं एक पैसे की मेडिसिन नहीं लेती हूँ। इस उम्र में भी मेरी 49 रनिंग है। हाँ, हालांकि मेरी जो बहनें हैं, मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, मेरी जो सारे जो परिवार के जितने भी हैं सारे के सारे इतने सारे मेडिसिन ले रहे, और मैं तो एक रत्ती भर की एक आना का भी एक मेडिसिन नहीं लेती हूँ। तो उसका मतलब क्या है, अन्न का ही असर है उसका। तो साइंटिफिकली उसको समझना पड़ता है। उसमें मतलब एनर्जी जो मैंने बोला वो मतलब आप उसमें मानते हैं एनर्जी? हाँ, तो अन्न का असर होता है ना। मेड क्या खाना बनाएंगे, आपके घर में अच्छे अच्छे खाना बनाएंगे, उसके बच्चे नहीं खा रहा है तो उसका मन नहीं जाएगा, माँ है ना, उसका मन तो जाएगा ही कि मेरे बच्चे नहीं खा रहा है ना, तभी तो वो लोग चोरी करते हैं है ना। तो ये सब बातें को असर आपका खाने में पड़ रहा है ना, उसको जल्दी जल्दी जाना है तो जैसे तैसे खाना बनाएगी, सब्जी भी ठीक से शायद धोएगी कि नहीं धोएगी, ये सब बातें आती है। तो वो छोटी छोटी बातों को अगर हम एनालिसिस करेंगे तो उसका आपका अर्थ निकल आएगा कि किस लिए ये करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि मेरे को लगता है ये बहुत हैवी टॉपिक्स है जिसपे हम बात कर रहे हैं। हाँ, इसका एक सेकंड पार्ट हमको दूसरा करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना टाइम निकाला एंड आप आए। आई एम श्योर कि जो भी ऑडियंस है इस चैनल के, जो ऑडियंस है वो मेरे एज के ही है, 28 to 35। तो लास्टली जस्ट उनके लिए कुछ एडवाइस अगर आप देना चाहते हैं कि वो हम जैसे बोलते हैं कि योगा पाथ पे अगर आप है, कुछ भी आप कर रहे हैं तो माइंडफुली आपको करना है जी, तो आपका क्या एडवाइस है कि वो अपना लाइफ, मतलब जैसे आप बोलते हैं फुल ऑफ लाइफ हम ऐसे जिए, तो कैसे हम कर सकते हैं उस चीज़ को? अगर आप लोग सच में चाहते हैं कि आप जीवन बहुत अच्छा बने जिसमें आपको शरीर से स्वस्थ, मन अच्छा, धन से भरपूर जीवन जीना है, तो पहली बात है ईर्ष्या मन से आपको हटाना पड़ेगा। सबसे पहली बात, किसी के लिए भी मन में कुछ भी मत रखिए, चाहे वो बंदा आपको कितना भी नीचा दिखाए, आपके पीठ पीछे आपकी लेग पुलिंग कर रहा है, आपको बैक बाइटिंग कर रहा है, आपकी पीठ पीछे आपके काम को बिगाड़ रहा है, फिर भी आप उसके लिए अच्छा सोचें, तो उसके लिए आपको थोड़ा कुछ क्लासेस यहाँ पे लेने से मुझे लगता है वो बात समझ में आएगा। अचानक से ये बोलने से समझ में नहीं आएगा, फिर भी एक दो इशारा मैं आप लोगों को दे सकती हूँ। जैसे रोज़ रात को आप जिस भी ईश्वर अल्लाह को मान रहे हो उनके सामने आप रात को माफ़ी ले लीजिए कि सारे दिन में कुछ भी अगर भूल चुकी हुई है उसके लिए आप माफ़ करें, और हमारे साथ रहे, हमें गाइड करें, और जितने भी कुछ भी मिला है जीवन में उसके लिए शुक्रिया अदा करें। इतना आप कर सकते हैं, और आगे का अगर सेशन आप करेंगे तो उस पर हम आपसे ये शेयर कर सकते हैं कि कैसे जितने भी बिजी हो आप उसके बीच बीच में आप कैसे खुद को मेडिटेट करें, वो कर सकते हैं।
ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट सेशन का हमें भी इंतज़ार रहेगा, बहुत जल्द करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। नमस्ते।